देखना है मुझे, या कोई मुझे कोई जीव विशेष को देखना है, मैं जंगल में इसीलिए जाता हूँ कि मैं धन्यवाद कर सकूँ परमात्मा का। सोचेंगे ऐसी कैसी अजीब सी बात है। आप जंगल में जाइए और देखिए, जब हिरन पानी पीता है दोस्तों, 20 बार देखता है इधर से उधर के कोई उसको खा न जाए, और मैं कभी मटके से, कभी फ्रिज से, कभी वाटर कूलर से पानी निकाल के पी लेता हूँ, मुझे कोई खाता ही नहीं है, और मैं ईश्वर का धन्यवाद ही नहीं कर रहा। जंगल में आप जाओ, दो ही तरह के जानवर हैं, या तो शिकारी है या शिकार है। एक के चेहरे पे हिंसा के भाव रहेंगे सदैव, और दूसरे के चेहरे पे बेचारगी के भाव रहेंगे। शेर, शेरनी अपने बच्चे को प्रेम भी कर रही है तो भी उसके चेहरे पे हिंसा ही दिखेगी, दूसरा भाव नहीं दिखेगा। और हिरन बेचारा गुस्से में होगा तो भी उसके बेचारगी के भाव आएंगे। अरे हमें मनुष्य बनाया है, एक चेहरे से हम 31 तरह के भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, और हम खुशी नहीं होते हैं कि परमात्मा तूने कमाल कर दिया। हिरन को सिर्फ घास का स्वाद दिया है दोस्तों, घास का, और शेर को सिर्फ मांस का स्वाद दिया है, और हमें 7 स्वाद दे दिए। कमाल हो गया, ये तो खारा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कितने तरह के स्वाद दे दिए वो सिर्फ घास। अरे हमारी माताएं बहनें हमारे लिए कितनी तरह के व्यंजन बनाती है, बेसन से 25 तरह की चीजें बना रही है, और हम धन्यवाद ही नहीं करते, न उनका करते हैं और न ईश्वर का करते हैं। कोई सोच सकता है जंगल के अंदर कि वो सुबह उठेगा तो जीवित मिलेगा? अरे पता ही नहीं होता है दूसरे क्षण का कि कब मौत आ जाएगी, और हम सुबह उठते हैं बिस्तर के ऊपर और जीवित पाते हैं स्वयं को, और धन्यवाद ही नहीं देते। एक बात और बांटना चाहूंगा आपके साथ में, जंगल में जब बाघ या शेर बूढ़ा हो जाता है, दांत घिस जाते हैं, नाखून घिस जाते हैं, कुछ शिकार नहीं कर पाता है, तो पता है उसकी मौत कैसे होती है? भूखे मरते हुए। जंगल का राजा है वो तो, उसके बावजूद उसकी मौत, पेट लटक जाता है जमीन पे, अंतड़ियां सूख जाती है, दर्दनाक मौत से मरता है। न तो उसकी पत्नी उसको मांस का टुकड़ा देती है मुंह में, न उसके बच्चे, न उसके भाई बंधु उसको कुछ खाने को देते हैं। भूखा मरता है जंगल का राजा। जबकि आप देखो मनुष्य जीवन में, अरे हमें थोड़ी सी छींक क्या आ जाती है, पूरे घर वाले परेशान हो उठते हैं। हमारी कितनी तरह की सेवा शुश्रूषा करते हैं, कितनी तरह की दवाइयाँ ला के देते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। आप सोचो ईश्वर ने मनुष्य बना करके हमारे को कितने आनंद दिए हैं, तो फिर क्यों वैमनस्य, क्यों एक दूसरे के बैर में फंसे भाई? ये तो मनुष्य जन्म कितना शानदार दिया है, इसका आनंद लो ना, इसका आनंद उठाओ ना।